हे दोस्तों, अगर आप भी एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक्सेल की उन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो नॉर्मली कोई भी पूछ सकता है। तो गाइस, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं लर्न विद श्वेता। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे रेडी किया हुआ है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नॉर्मली आप सबों को पता होगा, लेकिन फिर भी इसमें मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी। तो जैसे आप इसका डेफिनेशन दोगे, तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है या टाइपिंग किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इट कंटेन्स मैनी फीचर्स विच हेल्प यू टू मेंटेन डेटा क्रिएशन, रिपोर्ट्स हेल्प टू एनालाइज डेटा कैलकुलेशन ईटीसी। तो इस पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, स्प्रेडशीट डेटा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे करके दिखाती हूँ आपको। जैसे ये जो है ना, ये सेल रो इस तरह से जो बनाया हुआ है, इसी को हम कहते हैं स्प्रेडशीट डेटा। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम बहुत तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को कैलकुलेशन कर सकते हैं और नए नए रिपोर्ट को हम बना सकते हैं। और एक्सेल शीट में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसको यूज करके हम अपने काम को स्मूथ और अपना जो रिपोर्ट है उसको अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल है, इस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन रो एंड कॉलम। हमें यहाँ पे पूछा जाता है रो एंड कॉलम के बारे में बताएं। तो हम बताएंगे इस तरीके से, एन अल्फाबेटिक बार इन एक्सेल शीट इन कॉलम एंड नंबरिक बार इन एक्सेल शीट इज रो। तो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा अल्फाबेटिक है ये है इस तरीके से, इसको बोलते हैं कॉलम। और ये जो 1 2 3 4 5 आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं रो। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एक्सेल। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा जो एक्सेल है इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो इसमें हमारे जो रो हैं वो हैं 10,48,576 और कॉलम है 16,384। तो गाइस, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ये आपको कहीं भी पूछ सकता है। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल। ओके, मतलब सेल क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो बॉक्स है ना, इसी को हम बोलते हैं सेल। तो हमें बोला जाता है कि इसको मतलब अच्छे से बताने के लिए, क्योंकि हम इंटरव्यू में तो नहीं बताएंगे ना कि ये जो बॉक्स है इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको तरीके से हम बताएं तो हम बोलेंगे इसको, बॉक्सेस इन एक्सेल शीट इज कॉल्ड सेल। ओके, ये जो मतलब बॉक्स बन रहा है इन्हीं को हम सेल कहते हैं। या फिर आप दूसरे वे में बोल सकते हैं, रो एंड कॉलम का इंटरेक्शन से जो बॉक्स बनता है उसे हम कॉलम कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सेल किसको कहते हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन नेम बॉक्स, मतलब नेम बॉक्स किसको कहते हैं। तो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, Q11 है ना, क्यू ये रहा, ये हमारा कॉलम का दिया क्यू, और यहाँ हमारा रो नंबर में आया 11। तो यहाँ पे मतलब जिस भी आप सेल पे क्लिक करोगे यहाँ पे उसका नाम आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉलम नेम। ओके, या नेम बॉक्स। तो हम इसको करेंगे, ए नेम बॉक्स टेल्स द एक्टिव सेल लोकेशन, मतलब जिस भी सेल का लोकेशन हमें बताता है उसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। तो गाइस, ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें नॉर्मली किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो हमें इसका नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो गाइस मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।